मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी के सहारे अब कांग्रेस अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नर्मदा सेवा सेना बनाने का ऐलान किया। इसके लिए सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। मां नर्मदा की आरती के साथ ही कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत मां नर्मदा की महाआरती से की गई। महाआरती में नर्मदा सेवा सेना अभियान के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता और अभिनेता विक्रम मस्ताल शामिल हुए। भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि लगातार अभियान चलाकर नर्मदा तटों पर सफाई करेंगे, अलग अलग जगहों पर पानी की गुणवत्ता चेक करेंगे, पानी दूषित मिला तो सरकार को लिखकर सुधार के लिए दबाव डालेंगे, तटों पर प्लांटेशन व बर्बाद हो चुकी 21 सहायक नदियों के सुधार के लिए काम करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।